हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम एक ट्यूटर को रिपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे दो तरीके का ट्यूटर का पेपर होता है इस 4 इंच के अंदर। एक तो ऐसा ग्लॉसी वाला जो कि ये प्लास्टिक का होता है, और एक ऐसा जो कि पूरा ही कपड़ा या फिर कागज का ये है। ये ठीक है, तो कागज का और ये थोड़ा सा चीक टाइप है, ठीक है, पॉलीमर टाइप है। तो दोनों में साउंड ऑलमोस्ट सेम आता है। इनमें थोड़ा सा आपको देखने में अच्छा मिलता है, लेकिन साउंड वाइज ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो इसके लिए हमको चाहिए एक स्पाइडर और एक कॉयल। ऑब्वियसली कॉयल इसके अंदर सही से जाना चाहिए, ठीक है। तो दो चीज, और एक पेपर, ट्यूटर पेपर, और एक डस्ट कैप। तो हमारे पास ये डस्ट कैप है, तो हम यूज करेंगे ये वाला। तो मैं बेसिकली यहाँ पे दो ट्यूटर को रिपेयर करने वाला हूँ, आपको एक ही का वीडियो मिलेगा ऑब्वियसली। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रिपेयर कर लेता हूँ। ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, कुछ अलग प्रोसेस से होता है, स्पीकर से थोड़ा सा अलग होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करके जाना, और चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलिए ट्यूटर को रिपेयर करते हैं। तो ट्यूटर पे ऑब्वियसली आपको एक कैपेसिटर देके 4.7 AF 10 माइक्रोफैरड का आप 150 से लेकर मतलब 50 से ऊपर अगर होगा तो चल जाएगा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा वाट का नहीं होता है, लगभग 15-20 वाट का ही होता है। तो यहाँ पे कैपेसिटर आप जरूर यूज करना, नहीं तो ये खराब हो जाएगा, 100% खराब होगा, क्योंकि इस पे ये एक स्पीकर जैसा ही है, लेकिन इनमें वाइब्रेशन के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। मतलब ये हाई फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर सकता है, लेकिन लो फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं कर सकता, इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो भी फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मिल रहा है इस पेपर में। इस पे थोड़ा सा आपको लाउडनेस मिलेगा, वॉयस थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है इनमें, लेकिन ऐसा पेपर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है। ट्यूटर में बेसिकली मूवमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसलिए कोई मूवमेंट होता नहीं है। हाई फ्रिक्वेंसी के लिए ये परफेक्ट है। तो चलिए पहले हमको कॉयल प्लेस करना है। तो कॉयल प्लेस करने के लिए एक ऐसा फाइबर आपको चाहिए, तो आप कोई भी कागज जैसा चीक पॉलीमर, भी थोड़ा सा मोटा पॉलीमर भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा अगर एक साइड थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप हो, मतलब ऐसा फिसल जाए, ठीक है, ऐसा भी आप यूज कर सकते हो। बेसिकली गैप के लिए है, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ काम है नहीं। गैप को यहाँ पे इससे फिल करने के बाद बेसिकली इसको एकदम सेंटर में बैठाना होता है। जब ये मूव करेगा, इसके सेंटर का जो भी हिस्सा है मैग्नेट का, यहाँ पे और कॉयल के साथ कोई टच नहीं होना चाहिए, एकदम थोड़ा सा ही क्लियरेंस रहेगा। तो बेसिकली इससे एक गैप फिल होता है और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो आपके हिसाब से कर लेना, और यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं इसको पहले तो अंदर घुसा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक कॉयल को पहले आपको चेक कर, तो कॉयल का पोजीशन यहाँ पे मैटर करता है, जैसे कि ये ट्यूटर है, ठीक है, तो इसीलिए इस पे मूवमेंट तो होगा नहीं। तो यहाँ पे कॉयल को आपको थोड़ा सा ज्यादा अंदर की तरफ, कॉयल को थोड़ा सा आपको ज्यादा अंदर की तरफ रखना है, जैसा यहाँ पे है, तो एकदम थोड़ा सा हिस्सा बाहर की तरफ रहेगा। तो ये इसका कॉयल का साइज, और इनमें से इतना बाहर की तरफ है। तो स्पीकर का जो कॉयल है उसको हमको चेक कर लेना है पहले। चलिए ये वाला हमको चेक कर लेना है अभी। तो ये कॉयल सही है, लगभग 15 के आसपास
इसमें बीप साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे लगभग 6.7 ओम्स का वैल्यू दिखा रहा है, तो मैं इसको कनेक्शन करके भी नाप लूंगा। तो उसके लिए दो तरीके का ब्लू हमको चाहिए, एक तो डेंड्राइट और एक क्विक फिक्स। तो डेंड्राइट को हमको बेसिकली बाहर के तरफ जो भी हिस्सा है वहां पे लगाना है, कॉइल के तरफ जो भी हिस्सा है हमको क्विक फिक्स लगाना है। तो कुछ इस तरीके से हमने लगा लिया है और अंदर के तरफ आप क्विक फिक्स लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमको ग्लू दे देना है। तो चलिए अभी हम इस वायर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो वायर का कनेक्शन कुछ इस तरीके से आपको करना है। तो ये तो रहेगा और यहाँ पे जो भी छेद है वो आपको सही से सोल्डरिंग आयरन से कर लेना है। यहाँ पे मैंने सोल्डरिंग कर लिया है, अभी थोड़ा सा वायर को इसके एकदम नीचे से ले जाना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद डेंड्राइट को आपको इसके ऊपर लगा देना है। आपको यहाँ पे टेस्ट भी कर लेना है कि यहाँ पे सही से वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे लगभग 10 ओम्स आ रहा है, ओम्स तो ये नहीं है, ओम्स के बता है तो 4 ओम्स के आसपास आना चाहिए, 6.5 ओम्स आ रहा है, सही है। तो इसको अभी हम इसके ऊपर ये वाला पेपर लगाएंगे। तो चलिए अभी इसका ऊपर ये वाला पेपर लगा लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसका साइड पे ऑब्वियसली डेंड्राइट लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ये सही से बैठ गया है। तो उसके ऊपर ऐसा रिंग लगाएंगे। तो हमारा ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अंदर की तरफ थोड़ा सा ही हमको क्विक फिक्स लगाना है, तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा उल्टा करके प्रेशर दे देता हूँ और इसी टाइम मैं थोड़ा सा इसका इम्पीडेंस भी नाप लेता हूँ। लगभग 6.6 के आसपास है। तो चलिए थोड़ा सा अंदर की तरफ थोड़ा सा हम क्विक फिक्स दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये अभी 24 आवर्स के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तो 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इसको यहाँ पे डस्ट कैप लगाएंगे और टेस्ट करके ऑब्वियसली आप लोगों को दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो फिल्म मैंने लगाया था इसको अभी खोल देना है, तो कुछ इस तरीके से खुल जाएगा और कुछ इस तरीके से ये थोड़ा सा ही अप डाउन करेगा और ज्यादा नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसको रख देते हैं। तो डस्ट कैप मैं इसके ऊपर ही लगाऊंगा सिर्फ। तो डस्ट कैप के लिए हम डेंड्राइट यूज करेंगे, क्विक फिक्स नहीं यूज करेंगे। तो अभी हम इसको चला सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस पे हमेशा कैपेसिटर यूज करना है 4.7 या फिर 10 एमएमडी का। तो बहुत ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर नहीं यूज नहीं करना है, लगभग 22 के अंदर ही आपको कैपेसिटर का वैल्यू रखना है। उससे ज़्यादा अगर रखेंगे तो ये ट्यूटर खराब हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है।
तो अभी हम इसको चला के दिखाएंगे ऑब्वियसली। Let's go.